केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन किया जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। कब कब कितनी बढ़ी कर्मचारियों की सैलरी आई इसके बारे में जानते हैं। चौथे पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% की गई। इसमें उनका न्यूनतम वेतन मान 750 रुपये तय था। पांचवें पे कमीशन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया। इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपये प्रति माह हो गया। छठे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। इसे उस वक्त 1.86 गुना रखा गया था। इसे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ। इसे बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई। साल 2014 में 7वें पे कमीशन का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की इसमें वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.9% की हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन किया जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। कब कब कितनी बढ़ी कर्मचारियों की सैलरी आई इसके बारे में जानते हैं। चौथे पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% की गई। इसमें उनका न्यूनतम वेतन मान 750 रुपये तय था। पांचवें पे कमीशन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया। इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपये प्रति माह हो गया। छठे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। इसे उस वक्त 1.86 गुना रखा गया था। इसे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ। इसे बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई। साल 2014 में 7वें पे कमीशन का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की इसमें वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.9% की हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।